अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते ही करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मीज़ान बैंक के हवाले से मीज़ान सीनियर सिटीज़न अकाउंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और दूसरा यहाँ पे आपको बताऊँगा कि मीज़ान बैंक में आप कौन कौन सी स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीज़ान बैंक बाकायदा तौर पर ख़ुद भी ऑफ़र करता है मुख्तलिफ़ सेविंग अकाउंट्स, और इसकी एक बाकायदा कंपनी भी है, और ये कंपनी है अल मीज़ान ग्रुप के नाम से। इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकायदा इसकी पूरी डिटेल्स है, और ये हलाल मुनाफा आपके लिए ये सारी जो इनकी बचत स्कीमें हैं तकरीबन शरिया बेस्ड जो इस्लामिक स्कीमें हैं उस पे ये काम करते हैं, और मुकम्मल यहाँ पे इनकी डिटेल्स मिल जाती हैं। म्यूचुअल फ़ंड्स हैं, कभी तो ये आपको 35% तक भी प्रॉफिट महाना दे देते हैं, सालाना दे देते हैं, लेकिन कभी इसमें लॉस भी जाता है। तो ये एक समझें कि जो इन्वेस्टमेंट का तरीक़ाकार है वो शरिया बेस्ड है, यानी इसमें फ़ायदा भी आपको हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड करूँगा। सबसे पहले अगर देखें तो दोस्तों, यहाँ पे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके लिए मीज़ान बैंक ऑफ़र कर रहा है ये अकाउंट, और इसमें काफ़ी सारे आपको फ़ीचर्स मिल जाते हैं, जिस वजह से मुझे ये अकाउंट जो है पसंद है। और इसमें अगर देखें जो की फ़ीचर्स इसके हैं, तो यहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, नो चार्जेस ऑन इंटरनेट बैंकिंग, नो चार्जेस ऑन इशुएंस ऑफ चेक बुक, नो चार्जेस ऑन इशुएंस ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, फ्री पे आर्डर्स, फ्री इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, प्रॉफिट पेमेंट इज़ मेड इन द अकाउंट ऑन मंथली बेसिस, मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कितना होना चाहिए। खैर, इसमें जो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ये मैक्सिमम इसके जो क्रेडिट बैलेंस है वो 25 मिलियन तक, यानी 2.5 करोड़ तक तकरीबन होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है आपको ये जो है ज़्यादा लिमिट आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि इसमें पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अकाउंट जो है ये आप इंडिविजुअली ओपन करवा सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो इसकी मज़ीद डिटेल्स दी गई हैं, 60+ एज होनी चाहिए, विडोज़ भी इसमें जो है वो शिरकत कर सकते हैं, यानी वो भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद जी जिस तरह से ये आप कहें कि बेबूज स्विमिंग में आपको मौका मिलता है, यहाँ भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है यानी डिसेबल्ड पर्सन जो है उनके लिए भी यहाँ पे मौका होता है। इसके लिए उम्र की कोई हद नहीं होती, विडोज़ के लिए भी कोई उम्र की हद नहीं होती। तो इसमें फतवा भी आपको मिल जाता है, और बाकायदा तौर पे आपको इसकी पूरी डिटेल्स भी यहाँ पे मिलती हैं, और इसका जो प्रॉफिट है ये है 15%। इसी तरह दोस्तों, अगर आप मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं तो इसका 16% है, लब्बैक सेविंग अकाउंट जो है इसका भी 16% है। तो इसी तरह ये सेविंग अकाउंट्स दीगर भी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम यहाँ पे 16% तक का प्रॉफिट ये मीज़ान बैंक की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो ये जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, जो यानी यहाँ पे आप म्यूचुअल फ़ंड्स की सूरत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सुकूक एक इनका यहाँ पे अगर देखें तो सुकूक 1 और 2 यहाँ पे इनकी कैटेगरी है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये फिर इनकी कैटेगरीज़ जो हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी होते हैं। इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिटेल से अलग वीडियो शेयर करूँगा। आज की वीडियो में अक्सर आपके जो सवाल पूछा जाता है मीज़ान बैंक जो है कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं ऑफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं जो यहाँ पे ये अकाउंट्स हैं, और इसमें जो प्रॉफिट है वो भी डिटेल्स आ चुकी हैं यहाँ पर कि अभी तकरीबन 16% मैक्सिमम जो इसके ऊपर प्रॉफिट है वो दिया जा रहा है। मज़ीद इस हवाले से आगे चल के भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब देखते हैं जनाब, जो अल मीज़ान ग्रुप की तरफ से हमें यहाँ पे ऑफ़र्स दी गई हैं, यानी इसमें रेगुलर इन्वेस्टर जो हैं कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो म्यूचुअल फ़ंड्स आ जाती हैं, फिर इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फ़ंड में अगर देखें तो इक्विटी फ़ंड आ जाता है, इंडेक्स ट्रैकर फ़ंड आ जाता है, बैलेंस फ़ंड है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज़ हैं और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आपको दी जाती है कि अगर आप सेविंग प्लान की तरफ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाते हैं तो फिर आपको मीज़ान सेविंग प्लान मिल जाता है जिसमें एजुकेशन प्लान है, वेडिंग प्लान है, होम बिल्डर प्लान है, हज सेविंग प्लान है। तो आप अपने पैसे जो है किसी भी तरह के लिए यानी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, भाई हज के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल है या आपका एजुकेशन के लिए या वेडिंग, बच्चों की वेडिंग्स के लिए हैं, तो वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी मज़ीद अगर डिटेल आप देखना चाहें तो जैसे ये यहाँ पे एजुकेशन प्लान है, इसको आप मज़ीद जो है तो इसमें अगर देखते हैं तो ये इसके जो फीचर्स हैं, प्लान अवेलेबल फॉर टर्म मिनिमम 3 ईयर मैक्सिमम 18 ईयर, यानी जब आप इसमें पैसे रखेंगे तो कम अज़ कम ये 3 साल के लिए होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये 18 साल तक भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि चॉइस ऑफ मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल एंड एनुअल कंट्रीब्यूशन, नो बैक एंड लोड। यहाँ पे ये बड़ी इसमें सहूलतें दी गई हैं आप लोगों के लिए। प्लान वैलिड टिल प्रिंसिपल इन्वेस्टर अटेंड एज 60, यानी आप जब तक 60 के नहीं हो जाते तब तक ये आपके प्लान्स पड़े रहेंगे। और इसमें मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 से स्टार्ट होती है। तो इसी तरह के ये फ़ीचर्स आपको मिलते हैं और ये प्योरली एक मीज़ान बैंक की ऐसी कंपनी है जो कि आपके साथ पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करती है और यहाँ पे इसकी बाकायदा डिटेल्स भी दी गई हैं कि आप किस तरह की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नंबर 1 65% जो है वो इक्विटी आ जाती है और फिक्स्ड इनकम जो है या मनी मार्केट इनकम स्कीम जो है इसकी 25% आ जाती है। तो इसी तरह ये रेशो जो है कम ज़्यादा होती रहती है और इसमें प्रॉफिट भी चेंज होते रहते हैं, रिस्क भी इसके ऊपर जो है वो चेंज हो जाते हैं और आप यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग करने का मौका आपको मिलता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मुकम्मल डिटेल के साथ है। यहाँ पे इसके लिए आपको कुछ जो एनुअल जो इंश्योरेंस की जो डिटेल दी गई हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस के हवाले से। बाकी इसमें जो रिस्क है वो है ज़्यादा, थोड़ा सा कम जो रिस्क वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट्स वो आपने देख लेनी है, रेगुलर में देखनी है या सेविंग प्लान्स में देखनी है, तो वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप बैंक भी जाएंगे तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, सिंपली ये कॉल करने के लिए आपको सहूलत मिल जाती है। अबाउट अस में अगर देखेंगे तो इनकी मुकम्मल आपको कंपनी प्रोफाइल मिल जाती है। टोल फ्री इनका नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप बात भी इनसे कर सकते हैं। यहाँ पे चैट भी इनके साथ आप कर सकते हैं। हेड ऑफ़िस इनका यहाँ पे देखें कराची में है और बाकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई हैं। चैट करना चाहें तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स के साथ चैट भी इनके साथ कर सकते हैं, यानी मुकम्मल आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये दोस्तों एक सीनियर सिटीज़न जो मीज़ान बैंक का अकाउंट उस हवाले से इन्फॉर्मेशन और बाकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद अगर आपकी दिलचस्पी हो किसी अकाउंट के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा गाय बगाए इनमें से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, लेकिन ये ओवरऑल डिटेल्स जो हैं। लेकिन इसमें से एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि टैक्स भी डिडक्ट होता है और इसके ऊपर ज़कात भी डिडक्ट होती है। जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, ये जितने प्रॉफिट रेट्स मैंने आपको बताएं, इसके ऊपर फाइलर के लिए 15% टैक्स है, नॉन फाइलर के लिए 30% है और जो यहाँ पे ज़कात की शरह है वो 2.5% है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज के लिए, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।